आप हो गए, जयराम महतो हो गए, विकास महतो हो गए, करण महतो हो गए, ऐसे कई आप लोगों के जो युवा साथी हैं उनके नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन 1932 खतियान की मांग को लेकर खड़ा हुआ। लेकिन अब जो राजनीतिक पार्टी तैयार हुआ है उसमें मुख्य रूप से अमित महतो हैं, सीमा महतो हैं और गीताश्री उरांव हैं, जो पहले विधायक रह चुके हैं और अभी विधायक नहीं हैं। कहीं ना कहीं ये कुर्सी और सत्ता के पीछे इनकी कमजोरी तो नहीं है, ये हम हो गए तो आंदोलन की जो अगली रणनीति बनेगी या फिर कोई बड़ा आंदोलन होगा, जनसभा होगा, रैली होगा, मोर्चा होगा, तो उसमें आने वाले समय में किसी राजनीतिक बड़े चेहरे को आप न्योता देंगे या फिर मंच पर चढ़ने देंगे? देखिए, चीज़ें जब बिखरने लगेंगी, टूटने लगेंगी, क्योंकि झारखंड के इतिहास ही रहा है आंदोलन को हर बार ऐसे तोड़ दिया गया, बिखेर दिया गया। जोहार, लोकल खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष शेखर और आज मैं बात करूंगा, मेरे साथ होंगे तीर्थनाथ आकाश। तीर्थनाथ आकाश, स्वागत है आपका लोकल खबर में। झारखंड में ये क्या चल रहा है? आप आंदोलन शुरू किया, आपके कई साथी साथ दिए और आज नया राजनीतिक पार्टी शुरू हो गया है, क्या चल रहा है ये? ये दिसंबर के महीने से भाषा आंदोलन शुरू होता है, उसके बाद वो जीत जब हो जाती है, बोकारो धनबाद से भोजपुरी मगे हटा दिया जाता है, उसके बाद फिर खतियान की लड़ाई शुरू होती है झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के बैनर पर। तो कल अचानक हम लोग को सूचना मिला मीडिया के माध्यम से कि अमित महतो पूर्व विधायक और गीताश्री मैडम पूर्व मंत्री, दोनों ने मिलकर एक पार्टी बना ली है। पार्टी का नाम है खतियानी झारखंडी पार्टी। हम लोगों को कोई सूचना नहीं थी, बाद में दिया जा सकता है या बाद में कुछ और बातें हो सकती हैं, फिलहाल तक अभी तक मीडिया के माध्यम से ही सूचनाएँ मिली कैसा हुआ। पार्टी शुरू करने से पहले आप लोगों से कोई चर्चा नहीं, कोई जानकारी नहीं, कोई सुखबुगाहट नहीं? वो बात तो हो ही रही थी कि राज्य की तमाम जो पार्टियां हैं सब लोगों को देखा गया है, अब नई पार्टी पर बात होनी चाहिए, थर्ड फ्रंट की जो बात हो रही है, पर इतनी जल्दी और अचानक से क्यों हुआ ये शायद गीताश्री मैडम और अमित दास से आप लोगों को पूछना चाहिए कि अगर ऐसा क्या कारण रहा कि इतनी जल्दी सब कुछ कर दिया गया, क्योंकि खतियानी नाम है, खतियानधारी लोग हैं और मुद्दों के लड़ाई लड़ रहे वाले लोग हैं, हमारा विरोध नहीं होगा, समर्थन ही रहेगा बकायदा, उसमें जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे ये बाद का सवाल है, फिलहाल अभी हम लोग का आंदोलन चल रहा है, जब तक खतियान आधारित शासन नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति नहीं तय हो जाती है तब तक ये आंदोलन चलेगा। आप लोग जब आंदोलन शुरू किए थे भाषा को लेकर, उसके बाद धीरे धीरे 1932 खतियान को लेकर वो चला, तो कहीं ना कहीं जो भी लोग, चाहे तो छोटे से गाँव से हों या फिर शहर से हों, युवा जुड़े, सभी ने अपने जेब से पैसा लगाकर आंदोलन में शामिल हुए। लेकिन कोई भी राजनीतिक संगठन, राजनीतिक पार्टी शुरुआत जब होता है तो जेब से कोई पार्टी नहीं, पैसा नहीं लगाता है, कहीं ना कहीं से फंडिंग होता है, आपको क्या लगता है? देखिए, आंदोलन में सिर्फ पैसा नहीं लगा, लोगों की भावनाएं लगी। ऐसे कई लोग थे जो 3-4-5 किलोमीटर दूर तक चलकर हम लोगों को सुनने आते थे, आते हैं अभी भी, जो सक्षम नहीं है, जो विकलांग है। झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के बैनर तले दो बड़े बड़े कार्यक्रम तो कई हुए, लेकिन दो बड़े बड़े कार्यक्रम रहे, एक तो मानव श्रृंखला और दूसरा रन फॉर खतियान, 150 किलोमीटर की पैदल यात्रा भी झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के सदस्यों ने की। तो इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हुए वो मुद्दे के आधार पर इन्वॉल्व हुए, झारखंड के लिए इन्वॉल्व हुए और स्वेच्छा से इन्वॉल्व हुए, किसी को निमंत्रण कार्ड नहीं, क्योंकि हमारा एक बात ये मानना है कि अधिकारों की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजा जाता। आप लोग जिस समय 150 किलोमीटर जब पदयात्रा किए थे तो गीताश्री उरांव जो हैं यहीं करम टोली चौक में आपका वेलकम की थी, और जब आप यहां पर धरना दिए थे आप लोग सभी 1932 खतियान को लेकर, तो अमित महतो पदयात्रा वो भी किए थे सिल्ली से, जिसको टाटी सिल्वे के पास रोक दिया गया, मिलने भी हम लोग को उसके जिस दिन उनको आना था 7 तारीख को, उसके 7 मार्च को उनको रांची पहुँचना था, डेट शायद यही है या इधर उधर हो सकता है, उसके 2 दिन बाद 8-9 आसपास शाम में हम लोगों से वो लोग मिलने भी आए थे, कई विधायक मिलने आए, कई पूर्व विधायक मिलने आए, सत्ता पक्ष के विपक्ष के दोनों विधायक मिलने आए, सब ने थर्ड फ्रंट की बात तो ज़रूर की थी, लेकिन इतना जल्दी हो जाएगा ये हम लोगों ने सोचा। अच्छा, अमित महतो जो हैं आपके इस आंदोलन में भी आते हैं, जयराम महतो के आंदोलन में भी आते हैं, माननीय विधायक जेएमएम के जो हैं लोबिन हमरुम, वो जब सभा करते हैं तो वहाँ तक पहुँच जाते हैं, और अभी अचानक से नई पार्टी लेकर आते हैं 1932 खतियान
झारखंडी जो हार करते हुए, क्या है ये? खतियान झारखंडी, खतियानी झारखंडी पार्टी का हाँ। नाम। अब तो यही सवाल उनसे पूछना चाहिए कि आंदोलन जो होगा वो किस बैनर से होगा, क्योंकि इस आंदोलन की सुखबुगाहट या इस आंदोलन का जो बिगुल फूंका था झारखंडी भाषा संघर्ष समिति ने, अब पूरे झारखंड में इसी बैनर से कार्यक्रम हुआ, पूरे झारखंड में जिस इलाके में हुआ। अब तो भाई सवाल ये बनता है कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, कि अब तो वो अपने बैनर से कार्यक्रम करेंगे, गीताश्री मैडम उनके बैनर अपने बैनर से कार्यक्रम करेगी। तो यही तो होता है इस राज्य के अंदर कि आंदोलन चलता है, पार्टियां बन जाती हैं, और मुझे लगता है कि थोड़ा जल्दी हो गया। ठीक है, हम उनसे उम्र में छोटे हैं, अनुभव भी उनका ज़्यादा है, संघर्ष भी उनका ज़्यादा है, हम इस पर बहुत बात टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन मेरा अपना जो व्यक्तिगत विचार है वो ये है कि बहुत जल्दी हो गया सब कुछ, समय लेना था, और कम से कम और लोगों तक बातें जानी चाहिए थी, और एक बृहद कार्यक्रम होना चाहिए था पार्टी को लेकर, और कम से कम हमको लगता है कि मुरादाबादी में एक बड़ी सभा होनी चाहिए, फिर वहाँ से तय होना चाहिए था कि वह पार्टी बनेगी। कल जब हम बात कर रहे थे गीताश्री उरांव से, उनसे पूछा था कि क्या आप लोगों ने जो आंदोलनकारी हैं उनसे बात की है, आपके साथ कौन से बड़े चेहरे जुड़ रहे हैं, तो उन्होंने बताया था कि सूर्य सिंह बेसरा वो भी इससे जुड़े हैं, उनसे बातचीत हो रही है, लेकिन आज ही फेसबुक पे पोस्ट किया गया है उनके द्वारा और काफ़ी आलोचना किया गया है, और उन्होंने कहा कि ये जो आंदोलन का भ्रूण हत्या है, आपको क्या लगता है? हाँ, एकदम आंदोलन का भ्रूण हत्या है, हम लोग मानते हैं गलत दिशा में चला जाएगा सारा मामला। बेसरा जी का कार्यक्रम, दो तीन कार्यक्रम था अभी 15 तारीख को, 15 सबसे मज़ेदार बात यह है कि 15 जो अप्रैल है उसमें महाजुटान की जो बात चल रही थी, जिसमें सहमति अमित महतो ने और सीमा महतो ने, गीताश्री मैडम ने और बाकी सारे सरपंच ने, हम लोगों ने भी दिया था कि हम लोग उस पर आएंगे, देखना यह है कि उस पर क्या होता है। 15 तारीख समय लोबिंदा भी उसमें शरीक होंगे, जो लोग भी जहाँ भी, मंडल मुर्मू हैं, जो लोग भी जहाँ भी आंदोलन कर रहे हैं मुद्दे के साथ, सब लोगों के शरीक होने की बात हुई है, देखना यह है कि क्या होता है 15 को। अब जो सोशल मीडिया के माध्यम से अब लोग जो नई जो पार्टी बनी है खतियानी झारखंडी पार्टी, इसको लेकर कई लोग दावे कर रहे हैं कि मैं इस पार्टी के बैनर पे यहाँ पर से चुनाव लड़ूंगा, अपना अपना खूब प्रचार कर रहे हैं, तो लगता नहीं कि जो आप आंदोलन में जो शुरुआत किए थे, आपके जैसे कई नौजवान थे जो नेतृत्व कर रहे थे, अब भटक गया है आंदोलन? देखिए, आप किस नज़रिए से देखते हैं, किसी दो व्यक्ति तीन व्यक्ति के पार्टी बना लेने से, चार व्यक्ति के, हाँ ठीक है, मजबूत चेहरे हैं इस आंदोलन का, मुझे लगता है पिलर थे ये दोनों लोग, गीताश्री मैडम और अमित महतो, और उन लोगों ने पार्टी बनाई, तो हमको लगता है कि इनको अभी भी बहुत कुछ बीता नहीं, हमको लगता है इन लोग सब लोगों से बात करनी चाहिए, अभी तो पार्टी की नींव रखी गई है, बहुत कुछ बाकी होता है, तो हमको लगता है कि सब लोगों से संपर्क करना चाहिए, बैठना चाहिए। ठीक है, विचार अलग अलग हो सकते हैं, मत अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक बात जो आपने कहा कि बेसरा दा ने कहा कि आंदोलन की भ्रूण हत्या कर दी गई है, तो शायद आंदोलन की भ्रूण हत्या ना हो, इसलिए अमित महतो और बाकी तमाम वो लोग जो इस आंदोलन से जुड़े हैं उनको मिलकर हम तमाम लोगों से और हर उस युवा से जिसका 1% भी हिस्सा इस आंदोलन में रहा है, चाहे उसने टेंट लगाया हो, पानी बांटा हो या वो पैदल चला हो, हर किसी से बात ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि अब लोग हताश हो जाएंगे, चीज़ें जब बिखरने लगेंगी, टूटने लगेंगी, क्योंकि झारखंड के इतिहास से रहा है आंदोलन को हर बार ऐसे तोड़ दिया गया, बिखेर दिया गया, और उसी बिखराव को समेटने की बात झारखंडी भाषा संघर्ष समिति बार बार कर रही थी, तो जो हुआ है उस पर विचार किया जाए, फिर से दोबारा गीताश्री मैडम और अमित महतो पर विचार करें, क्योंकि अब अगुवाई कर रहे हैं तो उनको ही बाकी लोगों को समझने जा सकता है। आप हो गए, जयराम महतो हो गए, विकास महतो हो गए, करण महतो हो गए, ऐसे कई आप लोगों के जो युवा साथी हैं उनके नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन 1932 खतियान की मांग को लेकर खड़ा हुआ, लेकिन अब जो राजनीतिक पार्टी तैयार हुआ है उसमें मुख्य रूप से अमित महतो हैं, सीमा महतो हैं और गीताश्री उरांव हैं, जो पहले विधायक रह चुके हैं और अभी विधायक नहीं हैं, कहीं ना कहीं ये कुर्सी और सत्ता के पीछे इनकी कमजोरी तो नहीं है? ये हम हो गए, जयराम महतो हो गए, विकास महतो हो गए, करण महतो हो गए, आप लोगों का कोई बैकग्राउंड नहीं रहा पॉलिटिकल? नजरूल हो गए, सोहराय हसदा हो गए, अरविंद सिंह राजपूत हो गए, अरविंद हो गए, शक्ति महतो हो गए, निमाय महतो हो गए, ऐसे सैकड़ों नाम हैं जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा, वजूद लगता है अब समाप्त हो गया, मतलब हुआ नहीं है,
जो एनालिसिस लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं हमको स्पष्ट तौर पे ये कहना चाहते हैं कि आंदोलन जिन मुद्दों के साथ खड़ा हुआ वो मुद्दा आज भी जिंदा है। पार्टियाँ बनती रहेंगी, पार्टियाँ बिगड़ती रहेंगी, संगठन बनते रहेंगे, लेकिन झारखंडी भाषा संघर्ष समिति ने जो मुद्दा खड़ा किया था, जो मुद्दा उठाया था, जिस मुद्दे को झारखंड में जिस तरीके से फैलाया गया, वो मुद्दा आज भी जिंदा है। 12 अप्रैल को हमारी बैठक है, उसमें भी फिर तय होगा कि आगे क्या करना है। तो जो साथी हैं, जो लोग भी देख रहे हैं, उनको हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आंदोलन चलेगा और लंबा चलेगा। अमित दाह से भी बात की जाए, या अमित दाह भी हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं हमको जहाँ तक लगता है, पर क्यों इतनी जल्दी किया गया ये तो हम नहीं बता। तो क्या 12 तारीख को जो आप लोगों की बैठक होगी वो महत्वपूर्ण बैठक होगी? हाँ। और उसमें जो आप लोग जो जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा वो आंदोलनकारी उसमें शामिल रहेंगे, और साथ ही साथ आप अमित महतो जैसे राजनीतिक चेहरों को भी शामिल करने के लिए इनवाइट करेंगे? नहीं, हम लोग पहले तय कर, हम तो हमारी अपनी कोर कमेटी जो बोकारो धनबाद की, जहाँ जो झारखंडी भाषा संघर्ष समिति है, उनकी आपातकालीन बैठक है। और क्योंकि आनन फानन में ये सब कुछ हो गया, हम लोग को सोचना ही नहीं थी, तो सारी चीज़ें बिखर गई हैं। अब दो धड़े में लोग बैठ गए हैं, जिनको चुनाव लड़ना है वो भाई पार्टी में चले जाएंगे, तय है वो। और क्योंकि अब अमित महतो पता नहीं किस बैनर से जाएंगे, तो अपना एक पॉलिटिकल पार्टी जब उनका हो गया है अपने बैनर से कार्यक्रम करेंगे, तो जो लोग उनके बैनर के सदस्य होंगे वो तो उन्हीं बैनर में जाएंगे, तो तय है। तो कई चीज़ें हम लोग की बैठक है, बैठक में कई तो आंदोलन की जो अगली रणनीति बनेगी या फिर कोई बड़ा आंदोलन होगा, जनसभा होगा, रैली होगा, मोर्चा होगा, तो उसमें आने वाले समय में किसी राजनीतिक बड़े चेहरे को आप न्योता देंगे या फिर मंच पर चढ़ने देंगे या नहीं? देखिए, कमेटी तय करेगी, अभी समिति की बैठक 12 अप्रैल को, वहाँ से तय होगा। आज इस बात का बात बनी है कि समिति बैठक करेगी 12 अप्रैल को, तो वहाँ से तय होंगी चीज़ें। अभी तक तुरंत भी कुछ कह देना अमित दाह ने क्या सोच कर किया है, विरोध तो हम लोग करेंगे नहीं, क्योंकि अपने लोग हैं, आंदोलन से निकले हैं, अमित दाह का पुराना इतिहास आंदोलन कर रहा है, तो अभी है बहुत कुछ, बहुत चीज़ निकल कर अभी सामने आएगा, बहुत चीज़ें दिखाई पड़ेंगी और मज़ा आएगा अभी बहुत कुछ। यानी आंदोलन चलेगा? आंदोलन तो चलेगा, आंदोलन जिन मुद्दों के साथ शुरू हुआ वो मुद्दा ही नहीं खत्म हुआ तो आंदोलन कैसे खत्म हो जाए? लेकिन दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है वो दिखेगा? हाँ, तो दिखेगा। एक नई सबक मिल गई है तीर्थनाथा का, से हम बात कर रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आगे आंदोलन जारी रहेगा, तीर्थनाथ आकाश जैसे कई नए नौजवान 1932 खतियान को लेकर शामिल होते रहेंगे, और आने वाले समय में जो आंदोलन की नई परिदृश्य दिखेगी वो बड़ा ही दिलचस्प होगा। देखने वाली बात होगी कि नई पार्टी बनने के बाद अब राजनीतिक चेहरे इनके मंचों पर दिखेंगे या नहीं दिखेंगे। हर अपडेट देंगे, जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।